Hello, everybody. How are uh, Welcome at Abhimanyu IS. The leader in the preparation for the UPSC and State Civil Services Examinations, which has so far produced uh, more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. मेरा नाम डॉक्टर एच एस सिद्धू है मैं अब्यू आई एस में इंडियन इकोनमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन टीच करता हूँ आई हैव बीन मेनटोरिंग द सिविल सर्विस एसपरेंट फॉर मोर देन फिफ्टीन ईयरस एंड आई हैव ऑथर्ड है प्रेपरेशन ऑफ़ द यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशनस हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंडर है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है इसके अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द लेवांट रीजन लेवांट रीजन एक इम्पॉर्टेंट रीजन है ये रीजन हमारे एशिया में लाई करता है बेसिकली मेनली एंड मेडिटेरेनियन सी है जो इसके जो ईस्ट कोस्ट पे जो कंट्रीज़ हैं लेबनान है पार्ट ऑफ सीरिया है इसराइल है फेलस्टीन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ जॉर्डन है एंड सिनाई पैन रीजन ऑफ इजिप्ट है इन सब कंट्रीज़ को या टेरिटरीज को मिला करके जो एक रीजन बनता है उस रीजन को हम लेवान रीजन कहते हैं इस साल 2022 में यूपीएससी ने जनरल स्टडीज़ पेपर वन प्रमरी एग्जामिनेशन उसके अंदर लेवान uh, रीजन के ऊपर एक क्वेश्चन uh, भी पूछा था तो अब हम आज के इस लेक्चर uh, के अंदर लेवान रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग ए हैड लेट मी शेयर एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू एटिमन्यू आयस वी आर कमेंसिंग फ्रेश बैचेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द यू पी एस सी इन स्टेट सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन टारगेटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर This will be a one-year program and will be available through offline and online mode. We are providing seven days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. So तो चलिए हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि लेवांट रीजन कौन सा रीजन है। ये आप जो मैप देख रहे हो, इस मैप के अंदर ये एंटायर ये जो ब्लू वाला रीजन है दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी रीजन एंड ये जो एक जो रेड सी काफ़ी थिक लाइन है जो इसके अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ बेसिकली द लेवांट रीजन राइट सो इसके अंदर फिर हम क्या देख रहे हैं लेबनान है सीरिया का पार्ट है इसके अंदर इज़राइल है जॉर्डन है एंड जॉर्डन का जो वेस्टर्न पार्ट मेनली हम कह देते हैं पेलेसटीन है गाजा स्ट्रिप है एंड देन दिस यू कैन सेनाई पैन सोला रीजन ऑफ दिस पार्ट आल्सो इजिप्ट आल्सो सो दिस एंटायर रीजन फॉम्स द लेवट रीजन बेसिकली सो लेवट लेवंट इज़ ए कोस्टल रीजन ऑफ द ईस्ट मेडिट्रेनियन सी सो वॉट इज इम्पोर्टेंट हियर टू नोट इज़ दैट अ इट लाइज ऑन द ईस्ट मेडिटेनियनसी इट इज़ द कोस्टल रीजन ऑफ द ईस्ट मेडिटेनियन सी एंड इट इज़ ए स्ट्रेस स्ट्रेच ऑफ अबाउट एट हंड्रेड किलोमीटर लोंग एंड अबाउट वन हंड्रेड किलोमीटर वाइड लैंड सो एक पार्सल ऑफ लैंड है जो अप्रोक्सीमेटली एट हंड्रेड किलोमीटर लेंथ में है एंड वन फिफ्टी किलोमीटर वर्थ में है सो so, ऊपर से लेकर के लेबनान सीरिया से लेकर के नीचे सिनाई पेनसोला तक आता है ये रीजन तो इस एंटायर जो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट कोस्ट पे लगती है उसको हम लेवांट रीजन बोलते हैं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सीरिया इन द नॉर्थ टू इजिप्ट इन द साउथ तो ये सीरिया से इजिप्ट तक एक्सटेंड होती है द रीजन कवर्स द कंट्री लेबनान इसके अंदर लेबनॉन आता है इजरेल है पेलेसटीन है पार्ट ऑफ सीरिया है जॉर्डन है एंड द सिनाई पेनिनसुला रीजन ऑफ इजिप्ट सो दिज आर द वेरियस कंट्रीज फॉल अंडर दिस रीजन द रीजन इज सैंडविच्ड सैंडविच बिटवीन सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द मेडिटेनियन सी इन द वेस्ट सो इस रीजन के वेस्टर्न साइड पे क्या है मेडिटेनियन सी है एंड देन द अरेबो साइरियन डेजर्ट इन द ईस्ट तो वी कैन से दैट इसके एक तरफ है जो दैट इज़ द मेडिट्रेनियन सी एंड इसके दूसरी तरफ है जो दैट इज़ द अरेबो सायरियन डेजार्ट ये है इसके बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज द लिबोंट रीजन एंड इन द नॉर्थ एंड साउथ द रीजन इज बाउंडेड बाय रिवर और एंड द इस्थमस ऑफ स्वेज रिस्पेक्टिवली इसके जो नॉर्थ पे है एक रिवर है जिसका नाम है और रिवर एंड इसके जो साउथ में है दैट इज दमस विच इज़ देयर सो नाउ लेट डिसकस दैट यू कैन से दिवॉन्ट रीजन कंसिस्ट ऑफ दिस एरियाज ओके सो ये जो लेवान रीजन है अगर हम नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं इस रीजन में तो हमें यहाँ कोस्टल प्लेन्स भी मिलेंगे एंड हमें यहाँ माउंटेंस भी मिलेंगे वेस्टर्न साइड पे रिफ्ट वैली भी मिलेगी एंड ईस्टर्न माउंटेंस भी मिलेंगे इसके अंदर हमने दो ज्योग्राफी की की टर्म्स यूज़ की है अब तक आई सपोज़ डैट यू मस्ट बी वेल फेमिलियर विद दीज टू टर्म्स One is the isthmus and second term which we have used that is the rift valley. So uh, let me tell you that, the uh, isthmus is region hota hai. Uh, Isthmus is a narrow stretch of land or narrow parcel of land, uh, narrow you can say uh, piece of land uh, which connects the two uh, large uh, you can say land areas and, or land regions. Okay. तो एक लैंड रीजन ये है दूसरा लैंड रीजन ये है इसके इस तरफ हम क्या देख रहे हैं इसके इस तरफ हमें आ, क्या नज़र आ रहा है वी आर सीइंग सी एंड इसके इस तरफ भी हम सी देख रहे हैं एंड इसके बीच में ये वाला जो रीजन है सो दिस रीजन इज द नैरो यू कैन से स्ट्रेच ऑफ लैंड विच कोनेक्ट्स द टू यू कैन से लार्जर मासस ऑफ लैंड

लिफ्ट वैली रिफ्ट वैली तो वट वी मीन बाई दिस रिफ्ट वैली सो वी कैन से दैट रिफ्ट वैली इज़ ए लो लैंड रीजन वेयर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट ओके तो लेट्सपोज दो टेक्टॉनिक प्लेट्स हैं एक टेक्टॉनिक प्लेट ये है एक लेट सपोज टेक्टोनिक प्लेट ये है ये दोनों प्लेट्स uh, एक इस तरफ एक इस तरफ मूव कर गई है और इन दोनों के बीच में जो एक uh, लो लैंड डिवेल्प हो गई है दिस लो लैंड रीजन इज़ नोन एज द रिफ्ट वैली सो विच यू आर हेयर, दिज आर द टू लैंड मार्सर्स ये जो ग्रीन वाले हैं और इसके बीच में यू कैन से एक जो वैली डिवेल्प हुई है एंड दिस वैली इज़ नोन एज द रिफ्ट वैली रीजन सो दिस एंटायर रीजन इज़ द रिफ्ट वैली सो ये दोनों जोग्राफी की टर्म्स मैंने यहाँ आपको बता दी है Uh, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी जोग्राफी नहीं पढ़ी होगी पर नाउ द नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द लेवान रीजन सो ये जो लेवान रीजन है इस रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है एज फार एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन इज कंसर्न वन इज दैट द रीजन रिमेंड क्रॉस रोड्स ऑफ वेरियस पीपल एंड कल्चर ओके सो इस रीजन दिस रीजन सर्व्स एज ए क्रॉस रोड यू कैन से ऑफ़ वेरियस पीपल एंड कल्चर्स क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इस तरफ क्या है मेडिटेरेनियन सी रीजन है और इस तरफ क्या है हमारा यू कैन से एशियन रीजन आ जाता है के और इस तरफ ऊपर की तरफ क्या है हम सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ते हैं यूरोप की तरफ भी बढ़ते हैं ओके एंड इस तरफ क्या आ जाता है हमारे पास अफ्रीका है ओके सो दैट मीनस यू कैन से और यहाँ इनके बीच में क्या क्या रह जाता है दिस इज़ द बेसिकली लेवान रीजन ओके इसको हम लेवंट रीजन बोलते हैं एंड दैट मीन्स देन वॉट इज़ हेयर वी कैन से दैट के इन सभी रीजन के क्रॉस रोड्स के ऊपर है इधर यूरोप हो गया सेंट्रल एशिया हो गया एशिया हो गया अफ्रीका हो गया तो इन सभी रीजन के क्रॉस रोड्स के ऊपर क्या है जो Levant region exists. Karta hai. We can say that Levant region connects uh, the people and cultures of uh, different uh, regions. So, this is one importance of uh, this region, we can say. And uh, now, the uh, next importance of this region is that uh, uh, from this important trade region, fundamental changes begin spreading across the Middle East and the Mediterranean, leaving behind a रिच हेरिटेज ऑफ़ मटेरियल रिमेन्स ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रीजन भी रहा है क्योंकि पहले क्या होता था जब ये स्वेज कैनाल वाला रेड सी वाला रूट जब नहीं था उस टाइम पे यूरोप की तरफ से अगर ट्रेड होती थी तो यू कैन से या तो फिर एंटायर यू कैन से अफ्रीकन कॉन्टीनेंट के ऊपर से घूम के आते थे अटलांटिक ओशन केप ऑफ गुड होप के थ्रू इधर आते थे इंडिया की तरफ या एशिया की तरफ और दूसरा क्या था कि मेडिट्रेनियन सी से हम लेव रीजन में एंटर करके फिर वहाँ से जो यू uh, uh, कैन so, so, uh, so, से जो फिर लैंड रूट था इधर एशिया की तरफ सो द सेकेंड कनेक्टिविटी फॉर्ज वॉज दैट सो दैट इज वाई दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रीजन एंड फंडामेंटल चेंजेस बिगेन स्प्रेडिंग अक्रॉस द मिडल ईस्ट एंड मेडिट्रेनियन सो इसी रीजन से जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो स्प्रेड हुई मिडल ईस्ट की तरफ एंड मेडिट्रेन की तरफ द पीपल ऑफ दिस रीजन आर कॉल्ड लेवानटाइन्स सो जैसे हम एशिया के लोगों को एशियन बोल देते हैं यूरोप के लोगों को यूरोपियन बोल देते हैं अमेरिकन लोग अमेरिका के लोगों को अमेरिकन बोल देते हैं अफ्रीकन बोल देते हैं सिमिलरली ये जो रीजन के लोग हैं इनको हम लेवानटाइन्स बोलते हैं तो द लेवॉन्ट ए कल्चरली यूनिफाइड रीजन वर्ल्ड वार वन के बाद लेबंटीन्स बिकेम डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल स्टेट्स सो बहुत सारी स्टेट्स बन गई सरिया सेपरेट नज़र आने लगा एंड uh, जो हमें यू कैन से दिस जॉर्डन लेबनान ऐसे बहुत सारी इंडिविजुअल स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है इट मेड द पीपल फॉरगेट दैट दे बिलोंग टू ए कल्चरली यूनिफाइड रीजन सो उनके कुछ uh, जोग्राफिकल इश्यूज की वजह से या पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से आ उनका वो जो कॉमन हेरिटेज था आ या एक जो कल्चर, कल्चरल कल्चरल यूनिफॉर्मिटी थी कॉमन लैंग्वेज थी कॉमन हिस्ट्री थी जो फैमिली टाइज थी उनकी सो उन चीज़ों को जो जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस ने उन चीज़ों को ओवर किया और वो लोग इस बात को भूल ही गए कि वी आर हैविंग द कॉमन कल्चर कॉमन लैंग्वेज कॉमन हिस्ट्री कॉमन फैमिली टाइज दे फॉर अबाउट ऑल दिस 2022 में जैसे मैंने बिगनिंग में बोला था कि लेवॉन्ट रीजन से रिलेटेड यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या है लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज दैट द टर्म लेट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनस तो क्वेश्चन ये था कि ये जो हम टर्म अक्सर न्यूज़ में देखते हैं ये कहते हैं कि निमन में से कौन से रीज़न्स को ये कॉरस्पॉन्ड करती है या कौन से रीजन से रिलेटेड टर्म है ये आ, फर्स्ट चॉइस है रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स सेकेंड ऑप्शन दी है रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स स्ट्रेचिंग इजिप्ट टू तो मोरक्को थर्ड ऑप्शन दी है रीजन एलोंग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड जो फोर्थ ऑप्शन दी है द एटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिट्रेनियन सी सो अभी अभी जो हमने डिस्कस किया है उसमें क्या है कि जो मेडिट्रेनियन सी के जो ईस्टर्न शो कोस्ट पार्ट कोस्टल रीजन में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है उस एंटायर स्ट्रिप ऑफ लैंड को हम कहते हैं दैट इज द लेबॉन्ट रीजन सो हमारा फिर आंसर क्या हो गया द कुरेक्ट चॉइस फेयर इज दैट इज़ द ए सो रीजन एलोंग द ईस्टर्न मेडिट्रेनियन शोर्स सो दैट इज़ नोन एज द लेबॉन्ट रीजन सो दिस इज़ द कुरेक्ट चॉइस सो ये आज हमने लेबॉन्ट रिजन के बारे में डिस्कस किया है आई होप दिस इज क्लियर टू यू अगर किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन uh, में लिख सकते हो सॉरी uh, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू अगेन